थोड़ा सा गेम रखा मैं आपके लिए टू नो कि आप एक दूसरे को कितना जानते हो. सो आप इधर बैठ जाइए प्लीज परीति जी एंड प्रतीक जी आप इधर आ जाइए. ये पिक कर लीजिए कि अपने दोनों आ जाए. सो द गेम इज सिंपल. मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा राइट. जैसे एक क्वेश्चन है कि आप दोनों में से ज्यादा हंसता कौन है. इफ यू फील ये आप है तो व्हाइट फेदर उठाइए. इफ यू फील इट्स परिधि जी तो प्लीज रोज उठाइए. एंड सेम विद यू अगर आपको लगता है ये प्रतीक जी हैं तो व्हाइट फेदर उठाइए. एंड इफ यू फील ये मैं खुद हूँ तो रोज उठाइएगा. सो मैं क्वेश्चन चालू करता हूँ. किसी का स्पेशल क्वेश्चन है कुछ डिमांड है तो बता दीजिए वरना हम नॉर्मल चालू करते हैं. एनीवन नो ओके. सो पहला क्वेश्चन हु इज मोर रोमांटिक. ओहो क्या बात है. हम काजू लेके बैठे सर. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा अब ऑपोजिट जाना पड़ेगा. कौन ज्यादा गुस्सा करता है. अरे दोनों एक दूसरे दोनों खुद मान रहे हो कर रहे सही. ये कंपैटिबिलिटी होती है पता है. ये प्लानिंग होती है क्या कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे ना तो अपन दोनों सेफ खेलेंगे. मैं मेरा नाम ले लूंगा तुम दोबारा ले लेना कोई दिक्कत ही नहीं. चलिए आपने हमेशा सुना होगा जब दो कपल फोन पे बात करते हैं तो सबसे बोरिंग कॉन्वर्सेशन होता है. और बताओ सबसे इरिटेट करने वाला. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन फोन पर और बताओ ज्यादा बोलता है. फिर से कंपैटिबिलिटी यार. ये प्लानिंग करके बैठे मैंने कोई चीटिंग नहीं की है पक्का. अच्छा तो ये ना मतलब दोनों ने काफी अच्छी हाइट अचीव करी अपने करियर में तो आप दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन. ओहो इसे कहते हैं प्यार लव. अच्छा सब पिज्जा खाते हैं हम लोग है ना. और हमेशा सबसे गंदा हमें कब लगता है जब ऑड नंबर ऑफ पिज्जा की स्लाइस आती है. तो आप दोनों में से लास्ट स्लाइस जो थी पिज्जा की वो सेक्रीफाइस कौन करता है. ओहो क्या बात है. तो सर आप कुछ डाइट वाइट पे हैं कि एकदम फिटनेस फ्रीक या फिर आप चाहते हैं कि परिधि जी का वेट गेन हो. ओ तो चीटिंग आप करवा देते हो. अच्छा चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं फॉर अ ब्यूटीफुल डेट तो मेन्यू होल्डर कौन होता है. कौन खाना ऑर्डर करता है कि यही मंगाएंगे और यही खाएंगे. वाह द बॉस लेडी. चलिए चलिए. सो एक ऐसा क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग सेंस किसका ज्यादा अच्छा है. ये लड़की होते ना मैंने अक्सर नोटिस किया सर योर आंसर इज पेंडिंग. वाह ये फिर से प्यार है. ये दिख रहा है उन्हें देख लिया होगा. धीरे से नहीं बोलूंगा फिर बाद में 10 घंटे की एक्सप्लेनेशन कौन दे. बोल दो. चलो द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन हनीमून के लिए ज्यादा एक्साइटेड कौन है. जल्दी व्हाट अ क्विक. ये आंसर बहुत क्विक था. थैंक यू सो मच. दैट वाज अ सुपर गेम. आप दोनों के साथ में बड़ा मजा आया.